पर्सनल सोशल, यानी कि बच्चा दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करना स्टार्ट होता है उसके बारे में आज बात करेंगे हम। 3 साल तक आते आते बच्चा ड्राई बाई डे हो जाता है, और ड्राई बाई नाइट कब होता है? 5 ईयर्स में। कि बच्चा जब पैदा होता है तब से वो स्माइल करना सीख जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस स्माइल कहते हैं। देखिए बता दूं, सोशल स्माइल और स्पॉन्टेनियस स्माइल में डिफरेंस है। जो न्यू बॉर्न, जैसे ही बच्चा, अगर टर्म बच्चा है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर उसको दूध पिला दिया जाए और वो सो रहा हो तो स्माइल करके आप देखेंगे वो सोता है, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस स्माइल। लेकिन सोशल स्माइल, जो पहला माइलस्टोन पर्सनल सोशल में आपको बताने जा रहा हूं, वो होता है 2 महीने का आता है। यानी कि आप बच्चे को जब खिलाने की कोशिश करते हैं, ओ हेलो बेटा, तब वो जो हंसता है, हाँ, तो वो आता है कब? 2 महीने पे। रिकॉग्नाइजेस मदर, जो चेहरा पहचानने का आता है, वो आता है 3 महीने पे। उससे पहले बच्चों को 2D विजन होता है, मतलब यानी कि उनको 3D विजन नहीं होता है, यानी जिसकी डेप्थ नहीं दिखाई देगी, बस ये 2D विजन होता है। इस वजह से चेहरे वो पहचान नहीं पाते हैं 3 महीने से पहले। अब उसका माइलस्टोन का नाम है 3 महीने पे रिकॉग्नाइजेस मदर, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो अपनी माँ को 3 महीने पे जाके जानता है, नहीं। बच्चा अपनी माँ को जब पेट में ही होता है, 28 हफ्ते के बाद, जब पेट में, मतलब 7 महीने का ही हुआ, वो बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुनने लगता है, यानी बाहर की आवाज़ को सुनने लगता है, अपनी माँ के खुशबू को पहचानता है। या तो बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो अपनी माँ को समझा पहचानता है। अब बच्चा हंसता है, वो कब आता है? 9 महीने। अगर किससे? उसके टच से, माँ के टच से, माँ के शरीर की खुशबू से, माँ के दूध की खुशबू से, माँ की आवाज से वो बच्चा माँ को पहचानता है। आपको एग्जांपल दे दूं, एक पिताजी जो है बच्चे को लेके करते रहेंगे, अब बच्चा रोता रहेगा, और जैसे ही बच्चा, वही बच्चा माँ की गोद में आएगा और लेंगे तो 2 मिनट में चुप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चा माँ को, अपनी माँ को जन्म होते ही पहचान लेता है, लेकिन चेहरा रिकॉग्नाइजेस जो फेस होता है वो 3 महीने पे आता है। 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है, यानी कि बच्चे को आप फैमिली के अलावा किसी के पास भी लेके जाएगा, अगर कोई और गोदी लेने की कोशिश करेगा तो बच्चे को बहुत डर लगता है और वो चीख चीख कर रोता है, मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब क्या हो गया। वो ऐसे टाइम पे, जानते हो हम लोगों के साथ बच्चे आते हैं और टीका लगवाने 6 महीने वाला, और मान लो यार सर्दी खांसी हुई, माँ दिखाने आई है, तो इतना रोते हैं कि उनको आप आधा भी नहीं लगा सकते। बहरहाल 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है। 9 महीने पे बच्चा जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। 9 महीने से पहले बच्चे के सामने जो दिख रहा है वो उसको रहता है कि है, और जब उसके सामने से वो चीज़ चली जाती है तो उसको उतना नहीं रहती है कि वो चीज़ थी, यानी उसको उतना याद नहीं रहता है, उस पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। 9 महीने पे इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ये एक माइलस्टोन आता है 9 महीने पे। इस पे बच्चा जो है, अब आप जो है बच्चे के साथ पीकाबू गेम खेल सकते हैं, जो गेम होता है ना, छिपते हो कहते अब बच्चा हंसता है, वो कब आता है? 9 महीने। अगर आप 6 महीने के बच्चे के साथ जब कहो उसको चेहरा दिखाओगे तो हंसेगा, और जब छिपा लोगे तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो था भी, तो वो खेल नहीं पाएगा आपके साथ पीकाबू। तो आप जो करोगे तो वो चुपचाप देखेगा कहाँ गए क्या है। मतलब 9 महीने पे जाके आप पीकाबू गेम खेल सकते हो बच्चे के साथ। 1 साल, और ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए चादर के नीचे कोई सामान छिपा दो और बच्चा खोजने लगे तो कब आएगा? 9 महीने। तो उसके सामने से कोई चीज गायब हुई तो उसको याद रहेगी, 9 महीने के पहले उसका ध्यान नहीं रहेगा।
एक साल पे वो बच्चा, अब आपको बताया था मैंने कि एक साल पे चलने लगता है, जब चलने लगता है तो आप उसको कोई चीज कहो कि बेटा ओली को गेट बॉल, तो ओली जो है अपना जाके बॉल लेके आ जाएंगे। तो यानी कि टू कमांड्स, गो और गेट बॉल, यानी कि गेंद लेके आ जाओ, समझने लगे कब, एक साल पे जाके। डेढ़ साल से बच्चे को आपको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टाइम वो बच्चा चलने भी लगता है भाई, 15 महीने पे ही चलने लगा है। 18 महीने पे बच्चे जब पेशाब करता है, पेशाब करने से पहले वो बताने लगता है मम्मा मैं पेशाब कर रहा हूँ, अंडर गारमेंट्स में ही करता है लेकिन वो बताने लगता है। तो आपको 1.5 साल से आपको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, यानी बच्चे को टॉयलेट ले जाना है, फ्लश की शीट पे छोटा वाला जो रहता है वहाँ बैठा सकते हैं, या जैसे भी आप अपना ट्रेनिंग घर में गांव में करना चाहते वो करना स्टार्ट कर दीजिए 1.5 साल से स्टार्ट। और 3 साल तक आते आते टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, यानी 3 साल के बच्चे को जब पेशाब लगे तो उसको खुद से, यूरिन लगे या टॉयलेट लगे तो उसको खुद से टॉयलेट में जाके यूरिन और पेशाब करना चाहिए, टॉयलेट करना चाहिए। 3 ईयर्स तक टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ड्राई बाई डे कहते हैं 3 साल में, यानी कि बच्चा जब जगा रहेगा, हालांकि जब सोएगा दिन में भी तब भी बिस्तर पेशाब कर सकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर बच्चा जगा हुआ है और 4 साल का हो गया है फिर भी अंडर गारमेंट में पेशाब कर दे रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता हो इसका माइलस्टोन जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। वो कई बार होता है कि हो सकता है आपने टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत देर से स्टार्ट की हो, डायपर आप बहुत दिनों तक पिला रहे हैं, पहना रहे हैं, लेकिन यूजुअली जो है अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग 1.5 साल में स्टार्ट कर दी तो 3 साल तक आते आते बच्चा ड्राई बाई डे हो जाता है। और ड्राई बाई नाइट कब होता है, 5 ईयर्स में, यानी कि बच्चा 5 साल की उम्र के बाद बिस्तर पे पेशाब करना कुछ बच्चे 3 साल के बाद ही छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को 4 साल लगता है, नॉर्मली एवरेज बच्चों को 5 साल लगता है, कुछ बच्चों को 6 साल लग जाता है। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी अगर आपका बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, फिर आपको उसको टॉयलेट ट्रेनिंग पड़ेगी। दवा की जरूरत नहीं है तो टॉयलेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर्सनल सोशल में बच्चों को 3 ईयर्स पे आते आते जो है वो अपना जेंडर नाम नेम एज जेंडर, यानी कि वो लड़का है कि लड़की है, वो उनका नाम क्या है और वो कितने साल के हैं, वो 3 ईयर्स पे वो जान जाते हैं। अब आप ये सोचिएगा, एक ऐसे ही मैं बात करते करते थोड़ा भटक रहा हूँ पर्सनल सोशल पे, हमारा पुरुष प्रधान समाज ऐसा है कि बच्चों को बचपन से ही जो है वो लड़के लड़की में डिफरेंस सिखाया दिया जाता है। अगर आप 3 साल के या 4 साल के लड़के को कहिएगा कि लड़की हो तुम तो वो चिढ़ेगा और आपको जो है ऐसे मार दौड़ेगा या चिढ़ेगा या रोएगा, और अगर वही 4 साल की लड़की को बोलो तुम लड़का हो तो वो खुश होगी। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे समाज में ऐसा इस तरह है। मैं सारे सबकी समाज की नहीं बात करूंगा, पर मैंने अपने नॉर्थ इंडिया में और इंडिया में खासकर ये देखा है लड़के लड़कियों में इस तरह का डिफरेंस कर दिया जाता है कि बच्चों के मन में ये लड़कों में ये सुपियरिटी आती है कि हम तो लड़का हैं। ठीक है, बहरहाल उसमें बहुत डीप में नहीं आऊँगा, किसी दिन बात करेंगे इसमें। तो 3 ईयर्स पे बच्चा अपना जेंडर जान जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है, अपना नाम जान जाता है, अपना एज जान जाता है। रोल प्लेइंग 4 साल पे आती है, रोल प्लेइंग 4 साल पे आती है, यानी कि वो बच्चा जो है, चलो 2-3 बच्चे कहेंगे ये पापा बन गए, हम मम्मी बन गए, और जो है एक बच्चा बन जाएगा खेलने लगे, तुम डॉक्टर बन जाओ, हम जो है एक डॉक्टर बन जाएगा, एक पेशेंट बन जाएगा, एक बच्चा बीमार बन जाएगा, यानी गेम खेलने लगते हैं। रोल प्लेइंग जो होती है वो 4 ईयर्स पे आती है। तो पर्सनल सोशल पे हम लोग रिपीट करेंगे, स्पॉन्टेनियस स्माइल कब आती है, कब, जब बच्चा पैदा होता है तभी। सोशल स्माइल आती है 2 महीने पे, 3 महीने पे चेहरा पहचानने लगते हैं, लोगों को पहचानने लगते हैं, 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है,
9 महीने पे आके वो पीकाबू गेम खेल सकते हैं। और अच्छा हाँ, 9 महीने पे जब वो क्रॉलिंग भी करने लगते हैं ना, सीखने लगते हैं, तो एक और चीज होती है, वो होती है मिरर मिमिकिंग, यानी कि वो मिरर के सामने जाके, बच्चा मिरर के सामने जाके खड़ा होता है और उसको लगता है कि सेम बच्चा उधर भी खड़ा है। वो मिरर के सामने जाके बच्चा खड़ा होता है और लगता है कि सेम बच्चा उधर भी खड़ा है और उससे खेलता रहता है। वो अराउंड 1 साल 9 महीने 1 साल के आते हैं, इसको कहते हैं मिरर प्लेइंग। और कभी कभी मिरर के पीछे जाके झांकने की कोशिश भी करता है कि उधर कोई बच्चा तो नहीं है, तो इसको कहते हैं मिरर प्लेइंग। और एक और माइलस्टोन में बताया, भूल गया, 1.5 साल पे जब वो बच्चा आराम से चलने लगता है तो उसको कहते हैं मिमिक्री। मम्मा झाड़ू झाड़ रही है तो वो भी जो है झाड़ू लेके झाड़ने लगेंगे। मम्मा सामान रख रही है तो वो भी कोशिश करेंगे सामान रखेंगे। मम्मा बर्तन धो रही है तो वो भी जो है बर्तन धा के साथ में धो लेंगे। इसको कहते हैं मिमिक्री, जो भी काम। अब मम्मा इसलिए कह रहा हूं कि जो मान लो गार्जियन है, जो भी उसको देखेगा तो वो करता रहेगा। 1.5 साल पे टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, 3 साल पे टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। यानी 3 साल का बच्चा खुद से बता देना चाहिए कि मैं टॉयलेट मुझे लगी है और मैं वॉशरूम में जा रहा हूं। 5 साल के बाद बच्चे को बिस्तर पे पेशाब नहीं करना चाहिए। यूजुअली 6 साल तक, 1 साल का गैप दे देते हैं एवरेज, 6 साल के बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आज आपको पर्सनल सेशन के बारे में बताया।